नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आज अचानक दुनिया थम सी गई। आप भी एक अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल आप करते हैं आज के समय में, निश्चित तौर पर हर कोई कंप्यूटर का मोबाइल का इस्तेमाल करता है, आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, फोनपे का इस्तेमाल करते हैं। अचानक थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे से एक घंटे के लिए दुनिया थम सी गई, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में प्रॉब्लम आया। इसको माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का नाम दिया गया है और क्राउड स्ट्राइक माना जा रहा है इसके पीछे जो मूल वजह है। थोड़ी देर के लिए बैंकिंग सेवाएं ठप हो गई। थोड़ी देर के लिए आप मानकर चलिए कि विमान की जो सेवाएं होती हैं, जो फ्लाइट के टिकट कटते हैं, फ्लाइट में एंटर होता है, चेक इन होता है, वो बाधित हो गया। कई अस्पताल जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इस्तेमाल करते हैं उनकी सेवाएं ठप हो गई। शेयर मार्केट के कई सिस्टम जो शेयर मार्केट पर काम करते हैं थोड़ी देर के लिए वो भी ठप हो गए। ट्रेडिंग ठप नहीं हुई, लेकिन शेयर मार्केट पर काम करने वाले जब सिस्टम ही बंद हो जाए, स्क्रीन ब्लू हो जाए, तो आखिर काम कैसे होगा। तो सीधे कह सकते हैं कि दुनिया थोड़ी देर के लिए थम सी गई थी। देखिए पहले यह रिपोर्ट। दुनिया भर में कई फ्लाइट्स हुए रद्द और कई फ्लाइट्स का उड़ान टाइम आगे बढ़ा दिया गया। अमेरिकन एयरलाइंस का कहना है कि दिक्कत की वजह साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक है। साइबर स्ट्राइक ने कहा कि समस्या की जड़ मिल गई है, इसका समाधान कर दिया गया है। अमेरिका के अलास्का राज्य ने कहा है कि उनका इमरजेंसी सेवाओं का नेटवर्क भी प्रभावित है। भारत के एयरपोर्ट पर भी सेवाएं प्रभावित हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों के गेट की जानकारी व्हाइट बोर्ड पर हाथों से लिखी जा रही है। पेरिस ओलंपिक का आईटी सिस्टम भी प्रभावित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के सुपर बाजार ठप हुए और कई देशों में मीडिया आउटलेट्स को सिस्टम फेल होने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। कंप्यूटर सिस्टम एक बड़ी समस्या के कारण दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल और कई अन्य समस्याएं बाधित हो गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों की जानकारी व्हाइट बोर्ड पर दी जा रही है। यह तो ही दुनिया भर की बात है। दुनिया भर में जो आज थोड़ी देर के लिए हाहाकार हुआ, यह थोड़ी देर का हाहाकार बड़ा मायने रखता है। अब आपको दिखाते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट 365 और माइक्रोसॉफ्ट सूट का इस्तेमाल करने वाले लाखों भारतीय परेशान। मैक्स अस्पताल में एंड पॉइंट एंटीवायरस के तौर पर इस्तेमाल होता है क्राउड स्ट्राइक। सुबह करीब 10 बजे से मैक्स की रोगी देखभाल और अन्य काम इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर प्रभावित हुए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बयान दिया, इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी आउटेज कई कंपनियों के व्यवसाय और संचालन को बाधित करने वाला है। शेयर बाजार से लेकर एयरलाइंस, बैंक और तमाम बिजनेस के अलावा मीडिया हाउस भी प्रभावित हुए। भारत, अमेरिका, कनाडा और जापान की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू का बयान भी आ गया है, यात्रियों को होने वाली किसी भी वजह की तरह की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है, नायडू ने बयान दिया। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी का भी बयान आया है, उड़ानों की सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रूडी ने कहा है उड़ानों की सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आउटेज ने बैकएंड सेवाओं को प्रभावित किया जिसमें बुकिंग, चेक इन शामिल है। तो यह एक राहत देने वाली सूचना है कि यह बैकएंड सेवाओं को प्रभावित करने वाला है, यह किसी तरीके का साइबर अटैक नहीं है।
तो भारत पर भी कई तरीके की सेवाओं पर प्रभाव पड़ा है निश्चित तौर पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सारे का सारा सिस्टम ही डिजिटल है। अभी देर रात तक जो जानकारियां मिल रही हैं, कई लोगों के फोन पे काम नहीं कर रहे हैं, कई सिस्टम में काम अभी तक जो है चेक इन की व्यवस्था, जो वहां विमानों के चेक इन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहां भी फ्लाइट्स में भी अभी भी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं कंप्यूटर पे, लेकिन उड़ान होने के बाद फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइबर अटैक नहीं है, बैंक पर आपके अकाउंट्स को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। तो पहला रुख करते हैं अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ यूएस से सुयश प्रकाश साहब जुड़े हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। सुयश, स्वागत है आपका। रांची से हमारे साथ मनोज शर्मा सर जुड़े हैं, मनोज जी आईटी एक्सपर्ट है, मनोज जी स्वागत है आपका। और चंद्रशेखर पाठक साहब जुड़े हैं, चंद्रशेखर जी साइबर एक्सपर्ट है, चंद्रशेखर जी स्वागत है आपका। शुरुआत सुयश से करते हैं, सुयश हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं, इस वक्त समय कम है उनसे बात करने का। सुयश, अटैक तो हुआ जरूर, माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की प्रॉब्लम भी आई, लेकिन ये साइबर अटैक नहीं है, अगर ये कहें तो सीधे सीधे क्राउड स्ट्राइक का मामला बताया जा रहा है। सबसे पहले दर्शकों को एक आम लहजे में बता दें कि क्या है ये क्राउड स्ट्राइक। एक कंपनी है जो एंटीवायरस पर काम करती है, सेफ्टी पर काम करती है। समस्या क्या हुई है और सुलझाया कितनी देर में गया, किस तरीके से इस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा? सुयश, तो एंटीवायरस की कंपनी नहीं बोलूंगा मैं, साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जी, साइबर जो कि आम भाषा में हमारे जो विंडोज के लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनको हैकर्स से बताते हैं, है ना जी। कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नया पैच आता है, तो वो जो पैच होता है वो प्रॉपरली टेस्ट होना चाहिए, सारे के सारे जो सिस्टम्स इंटीग्रेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, और जो कि ऐसा माना जा रहा है कि प्रॉपर टेस्टिंग में चूक हुई है, जिसकी वजह से इतना बड़ा पैच जो कि डाला गया, और सिर्फ विंडोज की मशीन, जो लैपटॉप्स विंडोज यूज करते हैं उन्हीं मशीन को ये अफेक्ट किया है। जहां तक बात है ठीक होने की, तो अभी तक ये नहीं माना जा सकता है कि पूरी तरह से ठीक हुआ है। जहां तक मुझे भी खबरें आ रही है काफी जगहों से, जो मेरे जानने वाले लोग हैं कुल कंपनीज में, कि भाई कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ चीजें ठीक होने लगी है, लेकिन अभी भी काफी जगह पे आउटेज है, और इसका जो असर है वो तो सबने देखा ही है। जी 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 जी, क्राउडस्ट्राइक एक कंपनी है सुयश, और ये कंपनी जैसा आप बता रहे हैं साइबर सिक्योरिटीज पर काम करती है, लेकिन फिर ये समस्या जो आई है कि अचानक पूरे विश्व का, या देश की कहें, भारत की बात करें, तो अचानक से स्क्रीन ब्लू हो गया है। क्या नाम दिया गया इसको, जो अटैक हुआ इसको क्या नाम दिया गया, और ये प्रॉब्लम आई कैसे है सुयश? तो जो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो विंडोज की मशीन्स है, विंडोज की मशीन्स जो भी स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होने के समय में कुछ कुछ चीजें होती है, स्क्रिप्ट्स होती है जो कि रन होते हैं, उनके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह की कंपनीज जो होती है वो सॉफ्टवेयर बनाती है जो कि विंडोज यूज करती है। उनमें से एक है क्राउड स्ट्राइक, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी का एलिमेंट प्रोवाइड करती है। तो कुछ पर्टिकुलर फाइल्स है जो कि फाइल्स उस अपडेट में, पैच में डाले गए थे, जिसके साथ, जहां तक ऐसी चूक नॉर्मली तभी होती है जहां पर प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग ना हुई हो, मुझे जैसा लगता है। तो जहां तक बात है टेस्टिंग की, अगर वो टेस्टिंग हुई होती तो शायद इस समस्या को सुलझाया जा सकता था होने से पहले ही। और वो जो फाइल है, जहां तक बात है अभी एज अ वर्क अराउंड, काफी जगहों से ऐसा बोला जा रहा है, इवन माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहां बताया जा रहा है कि एज अ वर्क अराउंड आप जाएं, आप अपने लैपटॉप को सेफ मोड में खोलें, और सेफ मोड में खोल करके आप क्राउड स्ट्राइक का जो ड्राइवर है वहां पे जाके उनका जो अभी लेटेस्ट पैच आया है उस पैच फाइल को डिलीट कर दें, तो आपका जो है मशीन, जब तक वो लोग फिक्स करते हैं, वो चालू हो सकता है। ठीक है जी, हर किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, बट ये अगर लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। हर किसी के लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके सिस्टम पर भी ये है तो सुयश एक्सपर्ट है, सुयश जो आपको सुझाव दे रहे हैं आप इस पर अमल कर सकते हैं। सुयश बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे साथ दो और अतिथि हैं, मनोज शर्मा और चंद्रशेखर पाठक साहब जुड़े हुए हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं मनोज शर्मा साहब। मनोज शर्मा साहब से शुरुआत करते हैं। मनोज शर्मा साहब, अगर झारखंड की बात करें, भारत की बात करें, तो झारखंड में भी आज बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई हैं, और फ्लाइट्स में जो है खासी समस्या देखी गई है, रांची एयरपोर्ट भी इससे बुरी तरीके से प्रभावित रहा है। मनोज शर्मा साहब, ऐसा है कि भारत में तकरीबन 80% लोग जो हैं वो विंडोज बेस्ड लैपटॉप और डेस्कटॉप का उपयोग करते हैं जी, और बहुत सारे सेक्टर्स में विंडोज प्लेटफॉर्म पर ही काम हो रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में जी। तो ये लाजमी है कि अगर विंडोज क्रैश हो रहा है क्राउड स्ट्राइक के कारण जी, तो इससे इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, या एविएशन है, शेयर बाजार है, बैंकिंग है जी, मीडिया है जी,
तो ये सारे तो प्रभावित होंगे ही होंगे। ये एक तरह का टेक्निकल ग्लीच है मेरा मानना है, ये क्राउड स्ट्राइक जो इंटीग्रेटेड एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है विंडोज के अंदर में, तो ये लेटेस्ट विंडोज में उपयोग होता है। इसमें कई सारी तकनीकी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर किसी कंप्यूटर में ओल्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है किसी छोटे कॉरपोरेट सेक्टर में, तो वहाँ ये इस संकट से वो लोग कुछ हद तक बच गए होंगे। लेकिन लेटेस्ट विंडोज में क्राउड स्ट्राइक सिक्योरिटी के तौर पर इंस्टॉल रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है। ये चूंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा तकनीकी है, मैं बताना चाहूँगा इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड यानी कि आप जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का उपयोग कर रहे हैं जी। तो उसमें विंडोज के साथ खुद ब खुद जो सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो जाते हैं जी। उनको इंटीग्रेटेड कहते हैं जी। तो ये क्राउड स्ट्राइक लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेटेड होता है, और जहाँ कहीं भी लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से, जो भी सेक्टर में उपयोग हो रहा है, वहाँ ये समस्याएं आई हैं। और ये टेक्निकल ग्लिच है, अब तक जो सूचना है ये कोई साइबर अटैक नहीं है, हालांकि ये बाद में जांच से पता चलेगा। और जो क्राउड स्ट्राइक कंपनी के हैं जॉर्ज कर्च, वो तो खुद स्वीकार नहीं कर रहे कि ये कोई साइबर अटैक है, लेकिन ये आगे चलकर पता चलेगा कि ये कोई साइबर स्ट्राइक था, हमला था या नहीं था। लेकिन समस्याएं तो हुई हैं, और इसे सॉल्व होने में, इसके निदान में भी समय लगेगा। मैं चूंकि इस फील्ड में बहुत दिनों तक मैंने काम किया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्रैश हो गया है, जो ब्लू स्क्रीन आ रहा है जिसको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ नाम दिया गया है, ये एक बार लेटेस्ट विंडोज में अगर आ जाए तो उसे वापस रिकवर करना, ठीक करना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगेगा, काफी समय लगेगा। बिल्कुल, ये जो आप सर बता रहे हैं कि लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेटेड है ये क्राउड, तो लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया कि जो नए सिस्टम आ रहे हैं, बिल्कुल, जो नए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें इनबिल्ट है ये पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड, जो बोलते हैं कि इनबिल्ट है। अगर आप वो नए विंडोज को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये क्राउड सिक्योरिटीज उसमें इनबिल्ट, क्राउड माफ कीजिएगा क्राउड स्ट्राइक, ये इनबिल्ट है उसमें। और प्रॉब्लम क्राउड स्ट्राइक में आने के कारण उसने विंडोज को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया। हाँ हाँ, चलिए सर कुछ बोलना चाह रहे सर। मैं कह रहा था कि ये जो अब तक जो सूचनाएं हैं तकनीकी तौर पर, उसमें क्या है कि क्राउड स्ट्राइक अब तक उपयोग हो रहा था और अच्छे से सुचारू तरीके से काम कर रहा था जी। लेकिन इसका एक लेटेस्ट वर्जन अपडेट हुआ, अच्छा, जिसे पैच भी हम लोग बोल रहे हैं जी। तो उसको जैसे ही अपडेट किया गया, उसके बाद ये सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गए। ओके, तो इसका मतलब है, मैं जो बार बार एक शब्द बोला हूँ टेक्निकल ग्लिच, कि वो जो अपडेट जो बनाया गया सॉफ्टवेयर डेवलपर के माध्यम से जो जी। तो वो अपडेट चेक नहीं किया गया, उसे टेस्ट नहीं किया गया, लगता है वहीं पर कोई मिस्टेक हुआ है और उसके चलते वो विंडोज के फाइल्स को क्रैश कर दे रहा है। और वो जो क्रैश हो जा रहा है, जिस ब्लू स्क्रीन आ जा रहा है, जिसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ नाम दिया जा रहा है, तो ये एक त्रुटि है मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर डेवलपर के थ्रू। तो मतलब ये सर अपग्रेडेड वर्जन इन लोग लॉन्च कर रहे थे पैच का, जो है आप पैच जो बता रहे हैं वो अपग्रेडेड वर्जन हो गया क्राउड स्ट्राइक का ही, जैसे आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग उसका अपग्रेडेशन आता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरीके से इसको अपग्रेड कर किया जा रहा है। और वो अपग्रेड त्रुटिपूर्ण था, और वो अपग्रेडेशन त्रुटिपूर्ण था, यही कारण है कि क्राउड स्ट्राइक कंपनी जो है वो अभी तक इस पर किसी तरीके की टिप्पणी नहीं कर रही है, जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाने की बात कर रही है। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए चंद्रशेखर पाठक साहब। चंद्रशेखर साहब, साइबर समस्याएं, साइबर फ्रॉड्स के मामले बहुत ज्यादा होते हैं। आज थोड़ी देर के लिए जब सिस्टम बंद हो गया तो सबसे पहले दिमाग में जो लोगों का आया कि ये साइबर अटैक है, और पूरे देश में एक साथ समस्याएं आने लगी कि पूरे देश से इस तरीके की समस्याएं आने लगी हैं। हम लोग भी मीडिया हाउस में हैं, थोड़ी देर के लिए पूरे देश से फोन कॉल्स आने लगे, हम लोग भी इंटरनेट पर जुड़े हुए रह गए। काफी तरीके से जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया कि कहीं ना कहीं थोड़ी देर को ये शंका हो गया कि बड़ा साइबर अटैक हुआ है इंडिया पे। सर, जहां तक मेरी जानकारी है, अभी इसको साइबर अटैक कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पैच का एक पार्टिकुलर फाइल का एक ग्लिच है जी। वो पार्टिकुलर फाइल का जो फॉर्मेट था वो अच्छा से नहीं होने के चलते वो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में सिस्टम को ले गया जी। जी, अभी ये भी कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी का पर्सनल डेटा या सर्वर का कोई भी डेटा का ब्रीच हुआ है या कहीं वो उसका चोरी हुआ है जी। अभी तक ऐसा भी नहीं है जी। और हमारे पास, जैसा कि सबको मालूम ही है, हमारे पास तीन ऑपरेटिंग सिस्टम मेन है,
एक विंडो है, एक मैक है या फिर लिनक्स है। ये जो आज का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है ये सिर्फ विंडो के साथ हुआ है, बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी और जो कंप्यूटर में लिनक्स और मैक से चल रहे हैं वो एकदम अनअफेक्टेड है, उसमें प्योरली बहुत बढ़िया है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया से रिकॉग्नाइज किए थे, इसके बाद ज़्यादा अफेक्टेड एरिया सेंट्रल अमेरिका है, क्योंकि फ्लाइट्स है और बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर्स हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ फ्लाइट लैंडेड हो गए हैं, कहीं कहीं मैनुअल उन लोगों को क्लियरेंस दिया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो क्राउड स्ट्राइक है इसका, इसको जो साइबर सिक्योरिटी का जो एक्सपर्ट है, जो एंटीवायरस का एक्सपर्ट है मैक कैफी के लोगों ने इसको फाउंड किया था और बाद में ये माइक्रोसॉफ्ट का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। जी। जैसा हम सबको मालूम है हमारे मोबाइल में बिना हमारे परमिशन का अपडेट हो जाता है, जी। उसी तरह से कंप्यूटर में भी विंडो में भी अपडेट का ऑटो अपडेट ऑप्शन होता है, वहाँ पर ये पैच अपडेट हो गया। टोटल पूरे पैच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पार्टिकुलर फाइल के एक पार्टिकुलर लाइंस में जी। जो फॉर्मेटिंग का जो प्रॉब्लम था इसके चलते ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हो गया। बहुत जल्दी ही इसका निदान खोज लिया जाएगा, लेकिन मैं अपने लोगों को दर्शकों को ये जरूर बताना चाहता हूँ कि आपका जो डेटा है कंप्लीट सेफ है, अभी तक जो जानकारी है आपका डेटा कहीं नहीं गया हुआ है, एकदम आराम से रहे हैं। और आप बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर में ये नहीं आने वाला है, इसके लिए भी आप वरी फ्री रहें और इस पर एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक साइबर सिक्योरिटी की बात है, मालवेयर बचाने के लिए, मालवेयर को डिटेक्ट और स्टॉप करने के लिए, या मालिशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट एंड स्टॉप करने के लिए कंटिन्यूस अपडेशन की ज़रूरत होती है। इसके लिए जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी कंपनी होती है, ये कंटिन्यूस अपडेट करते रहती है ताकि जो नए नए जो मालवेयर्स आ रहे हैं उनसे अटैक को बचाने के लिए किया जा सके। तो हम इसको मतलब वायरस जो आप बोलते हैं, मालवेयर वायरस एक अलग हो गया सर, मालवेयर हो गया जो कि आपके स्क्रीन में कभी पॉप कर जाए, बहुत सारा कुछ आ जाए, स्क्रीन आपके कंप्यूटर के डेटा को डैमेज कर दे बहुत सारा, तो उसको हम लोग उसको डिटेक्ट करेगा, ये साइबर सिक्योरिटी वाले साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको डिटेक्ट करेगा और उसको स्टॉप करेगा। तो ये बहुत ही जरूरी चीज था, पैचेज आना ही चाहिए, बार हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी का लैप्सेस भी हो रहा है इसके चलते, और ये पहली बार इतना ब्रॉड वे में हुआ है। छोटे छोटे जानकार ये सब होते रहते हैं छोटे छोटे लेवल में, लेकिन इतना बड़ा ब्रॉड हुआ है जिसका कि निदान हमारे वैज्ञानिक बहुत ही एक्सपर्ट है, साइबर सिक्योरिटी वाले जेन्युइनली बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं, वो इस पर जल्दी ही इसका निदान खोज लेंगे और इसको ठीक कर देंगे। निदान खोज लेंगे, ठीक लेंगे, बने रहिएगा सर हमारे साथ। हमारे साथ सुयश जुड़े हुए हैं। सुयश, अभी अभी आपने दोनों एक्सपर्ट्स को सुना, हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट भी है, साइबर एक्सपर्ट भी है। ये जो एडवांस वर्जन है कंप्यूटर सिस्टम का, जो एडवांस वर्जन आया है उसमें ये इंटीग्रेटेड है साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राउड स्ट्राइक, माफ कीजिएगा, क्राउड स्ट्राइक जो है वो उसमें इंटीग्रेटेड है। जो अगर भारत जैसे देश की बात करें तो भारत में कई पुराने सिस्टम भी आज तक काम कर रहे हैं, पुराने कंप्यूटर्स भी काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, बहुत कम प्रतिशत में हो रहा। लेकिन अगर आप जहां इस वक्त हैं, यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां पर पूरी तरीके से एडवांस सिस्टम की का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के क्या हालात है इस वक्त सुयश? हालात बहुत ही सिमिलर है, और जैसा कि हम अभी मेरे से पहले जो आपके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो बता रहे थे बातें, वो हर जगह ही एप्लीकेबल है। यहाँ पे भी जैसे कि इंडिया में हुआ है कि सारे के सारे, जहां तक मैंने सुना खबरों में कि इंडिगो की बहुत सारी एयरलाइंस ग्राउंड हुई, पता नहीं कितनी सच्चाई है उसमें, बट आप बता सकते हो। यहाँ पर भी फ्रंटियर नाम की एक एयरलाइंस कंपनी है जिनकी ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा फ्लाइट जो है वो ग्राउंड हुई, और इमरजेंसी सेवाएं ठप हुई, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हर कोई विंडोज ही यूज करता है, बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मैक्सिमम कंप्यूटर्स में देखा जाए तो विंडोज ही होता है। और विंडोज में जब ये पैच आया तो जितने जहां जहां पे भी ऑटोमेटिक अपडेट्स लगे हुए थे, बहुत जगहों पर ऐसा भी होता है कि भाई ऑटोमेटिक अपडेट्स नहीं लगा होता, मतलब पैच अपने आप इंस्टॉल नहीं होगा, उनको ऐसा है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कुछ बैंकिंग कंपनीज है जहां पर कि जो है कंप्यूटर्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है और 90% चीजें सही सही चल रही है, तो उन्होंने वो अपडेट को पॉज कर दिया। जहां जहां पे वो ऑटोमेटिक अपडेट्स लगे हुए हैं, जहां पे कोई फिल्टर नहीं है, वहां पे वो चीजें प्रॉब्लमेटिक। तो
इसकी वजह से इमरजेंसी सेवाएं जैसे कि हॉस्पिटल्स, यू नो, एयरलाइंस, यू नो, इंश्योरेंस, बहुत बहुत सारी चीजों में यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई है, न्यूज में देखने को भी आ रहा है जी, और होपफुली जल्दी ठीक होगा ये। नहीं बिल्कुल, होपफुली बहुत जल्दी होगा, लेकिन अगर क्राउडस्ट्राइक कंपनी की बात करें सुयश, तो हेडक्वार्टर भी इस वक्त अमेरिका में है, अगर क्राउडस्ट्राइक की बात करें स्पेशली हम लोग, तो जो अभी हमारे आईटी एक्सपर्ट मनोज शर्मा जी बोल रहे थे कि एक नया वर्जन आया है पैच, जो एक नया वर्जन आया है, ये प्रॉब्लम वहां से क्रिएट हुआ एक फाइल से, और हमारे साइबर एक्सपर्ट चंद्रशेखर जी ने बताया कि पहले भी छोटे लेवल पे ये होता था, कहीं कहीं छोटे छोटे लेवल पर ये होता रहा, इसका निदान होता रहा, लेकिन इस तरीके से पूरे विश्व को अगर एक साथ, आप समझ लें कि अगर एक घंटे तक पूरे विश्व का सिस्टम फेल कर जाए, डिजिटल सिस्टम फेल कर जाए, तो आखिर विश्व चलेगा कैसे? देश का केवल भारत की बात नहीं है, पूरा सारा सिक्योरिटी सिस्टम भी तो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो सारे के सारे सिक्योरिटी फेलियर्स हो जाएंगे। सुयश बिल्कुल सही बात है, और ऐसे देखा जाए तो इस पे आई कैन डू अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, राइट, मैं बहुत सारे स्पेकुलेशन कर सकता हूँ, बहुत सारे रूमर्स भी बन सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक हैकिंग अटैक है या कोई जानबूझकर किया गया है वगैरह वगैरह, लेकिन जी, जब तक इस पे वो लोग जांच करके और ऑफिशियल बातें आती हैं तब तक कुछ भी इस पे कमेंट करना सही नहीं रहेगा। हाँ, बात बिल्कुल सही है कि पूरी की पूरी दुनिया में इसका बहुत बड़ा असर दिखा है, क्योंकि ये एक पैच है, और जैसा कि मनोज जी बता रहे थे, ये पैच जहां जहां पे भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है वहां पे होगा, और मैक्सिमम जगहों पे हुआ है ना? तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। जहां तक मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कई बार जब हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर्स की बनाने से ज्यादा उसकी टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। एक सॉफ्टवेयर के साथ पचासों हजारों हिस्से जुड़े होते हैं साथ में, जिनको अगर जहां पे मैं क्राउड स्ट्राइक की बात करूं तो उनको ड्राइवर्स बोलते हैं। अगर आप एक लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप उसमें माइक है, आपका कैमरा है, आपका ब्लूटूथ है, तो हर एक जो हार्डवेयर है, जो पार्ट पुर्जा है आपके लैपटॉप का, उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, और ये जरूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट खुद बनाए, उसको बनाने के लिए कुछ दूसरी कंपनीज होती हैं। इसी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी अटैक से बचाने के लिए क्राउड स्ट्राइक भी एक ड्राइवर बनाती है, जो कि ड्राइवर विंडोज में अटैच होता है। और हर बार जो है, आज के जो दौर में जो नई नई टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव हो रही है, एडवांस हो रही है, तो साइबर सिक्योरिटी के मैटर में भी ये इन कंपनीज को अपने आप को अपडेट रखना है, तो वो पैचेस डालती हैं। तो सबसे बड़ा गेट जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है, अगेन ये मेरा स्पेकुलेशन है, बट आई थिंक कि टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं हुई है, टेस्टिंग होनी चाहिए थी। जब भी कोई भी नया पैच आता है तो आप इस तरह से बिना टेस्टिंग के इसको रिलीज नहीं कर सकते हैं, और अगर टेस्टिंग हुई है तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ तो कमी हुई है, कि अगर टेस्टिंग के बावजूद भी आपने पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया उस पैच को और पूरी दुनिया को घुटनों पर ले आए, तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। पूरी दुनिया को घुटनों पर ले आई है, आपने एक बड़ी बात कह दी है, पूरी दुनिया को घुटनों पर ले आए। हमारे साइबर एक्सपर्ट साहब ये भी बता रहे हैं सुयश कि डेटा की चोरी नहीं हुई है। आपसे एक बार जानना चाहूंगा, सरल शब्दों में अगर बात करें, क्योंकि भारत में हैकिंग की समस्या, खैर अब तो भारत के लिए भी ये बहुत कॉमन सी हो गई है, लेकिन अमेरिका में हैकिंग की समस्या पर बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है, और बहुत ज्यादा हैकिंग की समस्या आए दिन बढ़ भी रहे हैं। हैकिंग का जो प्रॉब्लम है, हैक का, साइबर अटैक की बात करें, कंप्यूटर हैक करने की बात करें, और ये जो आज प्रॉब्लम आया है, एक आम यूजर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेगा? सिक्योरिटी की अगर बात करें तो मनोज जी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वो मेरे से ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूं तो जहां तक हम यहां पे जो अटैक्स जो देखते हैं, बीइंग इन द टेक इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिशिंग होती है, और जिसमें कि कोई एक व्यक्ति इम्पर्सनेट करता है किसी और को और बोलेगा कि भाई मेरे पास मान लो यूजर आईडी पासवर्ड आ गया, हमने लॉग इन कर लिया कंपनी के अकाउंट में। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही, पिछले महीने ही शायद, राइट एड करके एक बहुत बड़ी फार्मेसी है यहाँ पे, जिनका डेटा लीक हुआ है, लगभग 10 गीगाबाइट्स का डेटा, 40 मिलियन कस्टमर्स अफेक्ट हुए हैं, नाम वगैरह वगैरह चीजें निकली हैं। तो ये कहीं ना कहीं है, और मतलब आज के डेट में एंटीवायरस, मालवेयर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही तगड़े हैं, लेकिन सबसे मेजर जो आज के डेट में कॉज जो मैं देख रहा हूँ वो है फिशिंग अटेम्प्ट्स। फिशिंग अटेम्प्ट्स क्या होता है कि आप एज ए एम्प्लॉय, आपको ऐसा लगेगा कि भाई किसी जाने माने मेरी कंपनी से ही किसी ने मुझे ईमेल किया है, उसमें कुछ लिंक्स होंगे, आप उस पर लिंक्स पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दोगे या फिर यूजर आईडी पासवर्ड दे दोगे, जिससे जो हैकर्स है उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो आम लोग हैं उनको
अभी जैसे कि अभी माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज है, तो ये तो एक्चुअली आपके हमारे आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि आपको हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड स्ट्राइक अलग अलग जगहों से ईमेल्स आए कि भाई ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है, इस लिंक पे क्लिक करो, उस लिंक पे क्लिक करो, ये कभी मत करना बिना वेरीफाई किए हुए सोर्स को। ओके ओके, ये बड़ी बात सुयश ने बता दी हमारे दर्शकों के लिए। अगर अभी माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की प्रॉब्लम है और ये संभव है कि आपको क्राउडस्ट्राइक या माइक्रोसॉफ्ट के नंबर से माइक्रोसॉफ्ट शो करता हुआ या क्राउडस्ट्राइक शो करता हुआ कोई लिंक फॉरवर्ड किया जाए कि ये परेशानी समाधान हो गई है, आप इस पर क्लिक करें और इस तरीके से अपने समस्याओं का समाधान करें, ये कहीं ना कहीं आप पर साइबर अटैक का मामला हो सकता है, साइबर फ्रॉड का मामला हो सकता है, उससे आपकी बैंकिंग प्रभावित हो सकती है। तो इस तरह के किसी लिंक को अभी फिलहाल तो टच करने से बचें। अगर परेशानी का समाधान हो जाएगा तो अपने आप मीडिया के गलियारों में भी सबसे पहले आएगा, क्योंकि मीडिया भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है इस पूरे साइबर आउटेज से। पूरा जो आउटेज है माइक्रोसॉफ्ट का, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित मीडिया भी हो रही है। बहुत धन्यवाद सुयश आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत थैंक यू। अब तक रुक करते हैं अपने अतिथियों का, चलते हैं मनोज शर्मा साहब के पास। मनोज सर, आपने अभी कहा कि पैच का जो इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से अपग्रेडेड वर्जन को लाया गया, लॉन्च भी कर दिया गया, और चूंकि वो इंटीग्रेटेड है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप सिस्टम में अपडेट हो गया, लेकिन ये जो ब्लू स्क्रीन डेथ नाम इसको दिया गया, ये नाम देने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि नाम में ही एक खौफ झलक रहा है। जो आम हम जैसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा टेक्निकल कंप्यूटर को नहीं समझते, बस काम भर काम करते हैं, तो हमारे लिए बड़ा ये हॉरर वाला शब्द हो गया सर। दरअसल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जी, उसमें विंडोज 8 से उसका जो संस्करण था विंडोज 8 जी, तो उसमें ये जो विंडोज क्रैश हो जाता है, ये जो हम लोग बोलते हैं क्रैश हो गया, यानी विंडोज का कुछ फाइल करप्ट हो गया, खराब हो गया, जिसके चलते विंडोज जो है जी, वो प्रॉपर काम नहीं करता है और एक एरर आ जाता है स्क्रीन में जी, वो विंडोज ने माइक्रोसॉफ्ट ने उसे ब्लू स्क्रीन में उस एरर को डिजाइन किया जी। अब चूंकि उस वो स्क्रीन आ जाता है और स्क्रीन पर लिख देता है कि विंडोज में कोई प्रॉब्लम है और इसे आप रिकवर कीजिए, रिस्टार्ट कीजिए, टेक्निकली इसे ठीक कीजिए, तो वो ब्लू स्क्रीन पहले से ही था जी जी। और चूंकि आज इतना बड़ा संकट आया तो उस ब्लू स्क्रीन को आज कहा गया ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ओके। वो डेथ इसलिए कि मैंने पहले भी कहा कि भारत में 80% और पूरे विश्व में तकरीबन 75% लोग जो हैं जी, आज भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उपयोग करते हैं किसी भी सेक्टर में जी। तो अब उसमें से अगर 75% ग्लोबली अगर विंडोज उपयोग हो रहा है और उसमें 50% हम लोग ये मान लें कि वो इंटरनेट बेस्ड किसी काम में उपयोग हो रहा है और वो 50% ठप हो जाए जी, तो उसे तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ ही कहेंगे जी, क्योंकि हर सेक्टर को इसने आज संकट में डाल दिया है जी। एक तकनीकी चीज मैं फिर से बता दूं कि ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जब हो गया तो भले ये ऑनलाइन पैच के अपडेट होने से, इंटरनेट के माध्यम से अपडेट होने से ये विंडोज क्रैश हो गया, ब्लू स्क्रीन आ गया, लेकिन इसे ऑनलाइन ठीक करना बड़ा मुश्किल है जी। ये इंडिविजुअली ठीक करना होगा, इंडिविजुअली ठीक करना बिल्कुल, मतलब ज्यादातर कंप्यूटर्स में जहां विंडोज क्रैश हो गए डेटा लॉस्ट तो नहीं होगा, शेखर जी ने बिल्कुल सही बात बोली जी, डेटा लॉस्ट तो नहीं होगा, विंडोज क्रैश है और मान के चलिए कि इसमें से मैक्सिमम अधिकतम जो है वो अब ऑनलाइन ठीक नहीं, एरर ऑनलाइन आया था जी, लेकिन रिपेयरिंग इसकी रिकवरी जो है फिर से विंडोज प्रॉपर काम करे ये इंडिविजुअल करना होगा, ये ऑनलाइन होने का चांस मतलब मान के चलिए 100 में 1% है नहीं। और ये सबसे बड़ी समस्या है, ये अभी इस समस्या इस संकट को लेके जो भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जैसे क्राउड स्ट्राइक है, ये लोग इसी चीज़ का चूंकि खुलासा नहीं कर रहे हैं, लोग पैनिक होंगे, लेकिन अगर आप कोई लेटेस्ट विंडोज उपयोग कर रहे थे उसमें क्राउड स्ट्राइक था और ऑनलाइन आपका ऑटोमेटिक अपडेट ऑन किया हुआ था, यानी कि नेट कनेक्ट है और वो खुद अपडेट हो गया और विंडोज आपका क्रैश हो गया जी, तो ये अब ऑनलाइन ठीक नहीं होगा, ये कोई एक्सपर्ट आकर विंडोज का, टेक्निकल एक्सपर्ट कंप्यूटर का जो है वही रिकवर करेगा, ठीक करेगा, और उसमें लापरवाही हो जाए तो डाटा भी लॉस्ट हो जाएगा। तो ये तो सर बहुत बड़ी समस्या तब आ गई है कि अगर टेक्नीशियंस ना हो, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर पूरा विश्व इस समस्या का सामना इस समय कर रहा है, भारत भी कर रहा है, तो टेक्निकल हैंड ही ठीक कर सकता है,
बिना टेक, अगर किसी के घर में कोई सिस्टम है, लाखों घरों में सिस्टम लगे होंगे, तो उन लाखों घरों में टेक्नीशियंस को जाना होगा उसको ऑपरेट करने के लिए। देखिए यहाँ, हाँ बिल्कुल, आपका जो आप सोच रहे हैं जो वो कुछ हद तक बिल्कुल सही है। विंडोज में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, चूंकि ये हम लोगों का सब्जेक्ट बड़ा तकनीकी है इसलिए मैं थोड़ा सरलीकरण के बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ फीचर्स डाले हैं कि कभी विंडोज क्रैश हो जाए तो उसे आप बैक डेट में रिकवर कर सकते हैं। यानी कि मतलब विंडोज स्टार्ट कीजिए और विंडोज क्रैश हो गया, लेकिन आपको एक विकल्प देगा स्क्रीन में कि इसे आप आज से 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले के डेट में स्टार्ट कर रिकवर कर लीजिए। तो क्या होगा कि आपने आज जो कुछ किया है वो संभवत लॉस्ट हो जाए वो डेटा, लेकिन 2 दिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले के डेट में वो वापस आ जाएगा। रिस्टोर करना बोलते हैं। अब समस्या ये है कि लेटेस्ट विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये जो रिस्टोर करने का ऑप्शन दिया है ये इसके पुराने संस्करणों की तरह कारगर नहीं है। अच्छा, ये सक्सेस नहीं है, कारगर बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, जैसे विंडोज 7 था, विंडोज मतलब जो पुराने संस्करण थे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें रिस्टोर ज्यादा सफल था जी। और ये लेटेस्ट जो विंडोज हैं इनका रिस्टोर ज्यादा जटिल है, तो बिल्कुल एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी ज्यादातर जगहों पर, जो जाकर इस विंडोज को रिस्टोर करके ठीक कर दें। तो कहने का मतलब कि एरर ऑनलाइन आया है जी जी, लेकिन रिकवरी जो है ऑफलाइन, वो ऑफलाइन ही ज्यादातर होंगी, ऑनलाइन बहुत कम जगहों पर होंगी। ये सबसे बड़ा संकट है, ये एक बड़ा संकट है। हमारे एक्सपर्ट ने ये बताया, दर्शकों के लिए भी ये जानकारी है कि अचानक कोई गाइडलाइंस आ जाए, आपको आपके मोबाइल पे मिलने लगे, यूट्यूब पे मिलने लगे, गूगल पे मिलने लगे, तो थोड़ा संभल कर इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो आपके सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। कहीं ना कहीं एक टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत आपको पड़ सकती है, तो थोड़ी प्रतीक्षा कीजिएगा। हालांकि बिना कंप्यूटर के अब कोई काम हो पाना बड़ा मुश्किल है, जिस तरीके के सिम्टम्स में हम लोग रहते हैं, जिस तरीके के सिनेरियो में हम लोग रहते हैं वैसे में, लेकिन ये बड़ी बात कह दी है मनोज सर ने कि रिस्टोर करना उसको मुश्किल है, रिस्टोर हो नहीं पाएगा और आपका डेटा भी लॉस हो सकता है। दूसरा कि आप इस बीच अपने सिस्टम को ठीक करने के चक्कर में कहीं किसी गलत लिंक पर चले गए तो आप साइबर फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं। एक बार हम चंद्रशेखर पाठक साहब का रुख करते हैं। चंद्रशेखर साहब, जिस तरीके से ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का मंजर है, सिस्टम स्क्रीन ब्लू है बिल्कुल, इस पीरियड में कई लोग ऑनलाइन होंगे, कई लोग बैंकिंग कर रहे होंगे, कई लोग स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कर रहे होंगे, उनका सिस्टम फंसा हुआ है, अगर हम ये कह लें कि फंस गया सिस्टम, क्या इस बीच में किसी भी तरीके का अटैक की भी संभव है? सर, पहले भी ऐसा सिस्टम हुआ है जब हम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ जाता था, जो ब्लू स्क्रीन आ जाता था या बूटिंग में जब प्रॉब्लम होती थी तो हम लोग उसको सेफ मोड में स्टार्ट करते थे जी। और पहले भी अभी भी एडवाइजरी आया हुआ है कि सेफ मोड में स्टार्ट कर दीजिए, और विंडो एक पार्टिकुलर ड्राइव में इंस्टॉल होता है, जो भी विंडो इंस्टॉल हो हमारे यहाँ जनरली सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है, तो सी ड्राइव में जाइए और एक एडवाइजरी आई हुई है कहीं कहीं, आप उस जाइए और उस फाइल को सीधे आपको डिलीट कर देना है, उस फाइल को डिलीट कर, हाँ उस फाइल को जब डिलीट कर देंगे तो हो सकता है। सरल भाषा में समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि अगर जिनका सिस्टम चल रहा है वो किस तरीके से उसको अपग्रेड करें। देखिए, जो अभी तक एडवाइजरी है जी, सपोज कीजिए आपका सी ड्राइव में विंडो अपडेट जब भी होगा तो जहां पर विंडो इंस्टॉल हुआ है उसी वहीं पर होगा जी, तो अगर पैच भी अगर इंस्टॉल हुआ है राइट और रॉन्ग तो वहीं उसी विंडो ड्राइव में होगा, तो उस ड्राइव में जाइए और क्राउड स्ट्राइक ने कुछ गाइडलाइन दिए हुए हैं, वहाँ पर जाइए, उस फोल्डर को नेविगेट करते हुए उस फाइल को वहाँ से डिलीट कर दीजिए। पॉसिबल है आप रिकवर कर लें, लेकिन अभी तक फुल प्रूफ आया नहीं है कि, क्योंकि क्राउड स्ट्राइक वाले अभी कुछ भी ऑफिशियल कमिटमेंट करने से बच रहे हैं जी। सेकंड, जैसा मैं पहले भी बताया, तो ये एडवाइजरी जो आप कह रहे हैं सर, ये एडवाइजरी किसने जारी की है? एडवाइजरी जो ऑनलाइन एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने किया हुआ है, मतलब क्राउडस्ट्राइक की तरफ से क्राउडस्ट्राइक की तरफ से अनऑफिशियल आया हुआ है, ऑफिशियल अभी वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो सर हैरत वाली बात है कि समस्या उनकी दी हुई है, समाधान बाहर वाले बता रहे हैं, समाधान तो वही बताएंगे ना सर? समाधान बताएंगे सर, लेकिन अभी उनका ही प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, इसलिए कोई भी स्टेटमेंट देने से भी वो डर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उनका नैसडेक में पूरा उनका शेयर मार्केट क्रैश कर चुका है, माइक्रोसॉफ्ट का भी गिरा हुआ है जी जी। सेकंड ये है कि जैसा मैं पहले बताया था, उतना भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि तीन ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, वो उस पर जो बाकी दो हैं वो तो काम कर ही रहे हैं जी, लेकिन जैसा मनोज सर ने बताया कि 80% जी ऑफ द इंडिया
और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का 70% विंडो यूजर है। सपोज कीजिए एक एयरलाइंस का हम एग्जांपल लेते हैं, जो एयरलाइंस विंडो यूज करते हैं वो तो ठप हो गए पूरी तरीके से, ठप हो गए। बाकी दूसरे सर्वर जो मैक या लिनक्स जो यूज कर रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं। तो सर लेकिन विंडोज के कंपैरिजन में अगर आप जो दूसरे वही 80-20 का रेशियो सर रह जाता है। हाँ सर, देश की अगर बात करें तो मैक्सिमम लोग 80% लोग तो निश्चित तौर पर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले 80% लोग विंडोज पर डिपेंड है। श्योर सर, श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कॉमन मैन के पास इसको कोई सोल्यूशन नहीं है। हम सिंपली वेट करें, अपने कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो कंप्यूटर हम ऑनलाइन नहीं खोलें, ऑफलाइन आप कर सकते हैं जी, उसको आप करें। साइबर सिक्योरिटी वाले काम कर ही रहे हैं। इसका एक निगेटिव पार्ट ये है कि एक पैनिक क्रिएट कर दिया है कोरोना के बाद। एक पहला दिन है कि एक दिन में इतना बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ है। पॉजिटिव पार्ट ये है कि साइबर सिक्योरिटी के जो लैप्सेस होते थे उस पर अब बहुत ही रिग्रसली काम होगा, इस पर बढ़िया फंडिंग होगा। और हमारा जो अभी तक जितना सारा प्रॉब्लम मालवेयर के चलते होता था, हैकिंग के चलते होता था, या हमारा फंड इधर से उधर हो जाता था, वो हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सॉफ्टवेयर मिलने वाला है जिस पर कि ऑलमोस्ट हम लोग उसको फुल प्रूफ बोल सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक वार्निंग है जो लोगों को और हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर देने वाला है। मतलब आप बोल रहे हैं कि साइबर फ्रॉड्स जो होते हैं, जो साइबर फ्रॉड लिंक पर भेजकर जिस तरीके से पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं या फोन पर या अन्य तरीकों से जो फ्रॉड किए जाते हैं, उनको रोकने के लिए कोई सॉफ्टवेयर इजाद हो रहा है और कुछ होगा इसके चलते होगा कि क्योंकि हम लोगों ने मतलब ये मामला इससे जुड़ा हुआ है, ये जो पैच का जो अपग्रेडेशन का मामला है, पैच का जुड़ा हुआ नहीं है इसका। अच्छा। आफ्टर इफेक्ट ये होगा कि हमें और ही सिक्योर सॉफ्टवेयर मिलेगा। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जब हम तलाशेंगे तो उसमें हमें उनका उनका भी किनारा मिल सकता है कि उनपे कैसे हम किस तरीके से सेफ कर सके ज्यादा से और बिना बहुत बढ़िया टेस्टिंग का हम कोई भी चीज अपने सिस्टम पर रन नहीं करने वाले हैं। ये तो हमें सिखा ही दिया क्राउड स्ट्राइक ने जी। लेकिन ऑटो अपडेट का है सर, तो फिर तो आप चाहे या ना चाहे वो तो ऑटो अपडेट में रन हो जाएगा। सर बड़ी बड़ी कंपनी ऑटो अपडेट उसको डिसेबल करके रखती है, कहीं कहीं इनेबल किया हुआ रहता है। जैसे कि मनोज सर ने बताया कि विंडो 8 के बाद ऑटो अपडेट और इंटरनेट के थ्रू ही बहुत सारा चीज उसमें अपडेट होते रहता है। तो लेकिन जैसे विंडो 7 एंड बिफोर वाले में क्या होता था, हमारे पास ऑप्शन रहता था, वहाँ हम लोग ऑटो अपडेट को डिसेबल कर लेते थे। और जहाँ भी साइबर सिक्योरिटी का प्रश्न आता है बहुत सारे लोग ऑटो अपडेट को डिसेबल करते हैं जी। मनोज सर का एक और परिचय दे दूं। मनोज सर हम लोगों के भी शिक्षक रहे हैं। मनोज सर से आप कंप्यूटर की शिक्षा भी ले सकते हैं, कंप्यूटर को काफी नजदीक से मनोज सर जानते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी जानकारी रखते हैं। तो एक बार मीडिया का सवाल तो सर आपसे बनता है कि ये जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ है इससे मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है और क्या आने वाले समय में क्या और परेशानियां सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए मीडिया में जहां भी लेटेस्ट विंडोज के माध्यम से सूचनाओं का प्रवाह है जी, और उन लेटेस्ट कंप्यूटर्स के विंडोज अगर क्रैश हुए हैं तो आप खुद ये कल्पना कर सकते हैं कि सूचनाओं का प्रवाह जो है एकाएक रुक गया है। और मीडिया एजेंसीज और कहीं से भी जो भी खबरें आती हैं, वीडियोज आते हैं, अगर वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से आदान प्रदान हो रहा है और वो विंडोज क्रैश हो जाए जी, तो एकाएक जो है सो ये काम तो ठप हो जाएगा। तो मीडिया तो बिल्कुल प्रभावित हुआ, अद्यतन खबरों से वंचित रह जाएगा जी, बिल्कुल। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज से तकरीबन जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ कलाम साहब थे जी, उन्होंने चूंकि वो साइंटिस्ट थे और आज उनकी वो बात मुझे याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक भारतीय को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। लिनक्स, बिल्कुल जी। उन्होंने क्यों कहा था वो तब हमें समझ में नहीं आया था जी, आज जब ये संकट आया है तब समझ में आ रहा है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर या एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर इस संकट का, इस ये जो क्राउड स्ट्राइक है जी, जी। इसका कोई असर नहीं है, लेकिन अफसोस कि उसका उपयोग कम सेक्टर्स में हो रहा है, उसके यूजर्स कम हैं जी। अगर लिनक्स के प्लेटफॉर्म पर बाकी सारी चीज़ें कॉरपोरेट सेक्टर्स की जो भी चीज़ें हैं वो आज चल रही होती जी, तो ये संकट इतना बड़ा संकट नहीं होता, क्योंकि उस पर वायरस का या इस तरह के एरर का असर नहीं होता है जी। और एक चीज़ है
कि जो आम यूजर है भारत का जी जी, वो मीडिया के सेक्टर में ही क्यों नहीं हो, अगर क्रैश हो गया जी, तो देखेंगे आप लोग कि हम लोग आजकल कंप्यूटर्स जो चलाते हैं वो टोटल ग्राफिकल्स रहता है, मतलब स्क्रीन पर चित्र रहते हैं, माउस से हम लोग क्लिक करते हैं जी, ये ग्राफिकल इंटरफेस कहलाता है जी, और रिकवरी और रिपेयरिंग जब मुश्किल हो जाए तो टेक्स्ट इंटरफेस के माध्यम से होता है जी, जिसे डॉस बोलते थे बहुत पहले, डॉस बोला जाता जी, बिल्कुल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बहुत पुराना नाम है, हम लोग उतना इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन उस मोड में रिकवरी और रिपेयरिंग आज भी होती है जी, और उस मोड के जानकार तकरीबन आज के समय में जी, नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, मेंटेनेंस वाले लोग हैं वही लोग हैं, तो मीडिया में भी समस्या है कि सूचनाओं का प्रवाह जो है अगर विंडोज ऑपरेटिंग विंडोज प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा था जी, वहां अगर क्रैश हुआ है तो प्रवाह रुक गया है जी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर मीडिया में भी अगर प्रवाह हो रहा था तो वहां भी प्रवाह रुक गया है। निश्चित तौर पर कई मीडिया हाउसेस इससे इफेक्टेड हैं इस वक्त। एक बार रुक करते हैं फिर से चंद्रशेखर पाठक साहब का। चंद्रशेखर पाठक साहब, ये बैकएंड समस्या है, ये जो समस्या है ये बैकएंड समस्या है, ये बता रहे हैं कि आपको प्लानिंग में समस्या नहीं कर रहा है या फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, बैकएंड से प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर पर चले जाएं या हम बैंकिंग सेक्टर पे जो साइबर फ्रॉड्स के जो, चूंकि साइबर के आप एक्सपर्ट हैं तो आपसे एक बार साइबर पर समझूंगा कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को क्या इस समय में ये जो सिचुएशन है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का जो मामला है इस समय इफेक्ट किया जा सकता है? देखिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है जी, क्योंकि बैंकिंग बहुत ही इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन होता है। जैसे इंडिया में मान लीजिए यूपीआई है जी, यूपीआई का ट्रांजेक्शन ठीक है, ये सर्वर का प्रॉब्लम नहीं है, ये विंडो का प्रॉब्लम है, विंडो सर्वर का प्रॉब्लम नहीं है, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है जी। बाकी जो बैंकिंग होता है ना वो विंडो सर्वर के थ्रू होता है, सारा रूटेड होता है। जो जानकारियां हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से ही प्रॉब्लम है। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट में जो जो लोगों ने इसका पैच को अपडेट किया उसके साथ वैसा हुआ है जी, ये सर्वर क्रैश नहीं हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का जी। क्रैश तो हुआ है, बहुत सारे लोगों का क्रैश तो मनी हुआ है जो कि शेयर मार्केट में लगा हुआ था जी, बैंक का काम नहीं करने से बहुत सारे लोगों का क्रैश हुआ है, मनी था। लेकिन आज भी जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं कभी भी होल्ड आप नहीं सुने होंगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन होल्ड हुआ है। डे टू डे हम लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, किसी का होल्ड नहीं है, किसी का फंसा हुआ नहीं है और किसी का डाइवर्ट नहीं हुआ है जी। आपने भी आज कुछ ना कुछ जरूरी ट्रांजेक्शन किया होगा, आपका भी एक भी होल्ड नहीं हुआ होगा। बैंकिंग ट्रांजेक्शन से इसका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। कुछ कुछ स्पेशल एरिया है जहाँ की सिक्योरिटी के रीजन से, प्रिकॉशनरी रीजन से लोग इसके साथ कुछ कर नहीं रहे हैं, प्रिकॉशन के लिए बहुत ज़्यादा अभी सिस्टम खोल नहीं रहे हैं। फिर भी मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, किसी के भी डेटा का जी, कहीं भी कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, कहीं भी डेटा थेफ्ट नहीं हुआ है। ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये सर्वर का प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये उसका प्रॉब्लम है। आप बता रहे हैं कि ये उसके सर्वर से समस्या नहीं आई है। और वही मनोज सर भी बता रहे हैं कि सिस्टम का प्रॉब्लम है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद से नहीं कर सकते हैं, आप इसको ऑफलाइन आपको करना पड़ेगा। आप इसके लिए या तो क्राउडस्ट्राइक कोई एडवाइजरी जारी करे या माइक्रोटेक माइक्रोसॉफ्ट जारी करे, लेकिन एक आम दर्शक जो एक आम लोग अभी हमारा टीवी स्क्रीन जो नॉर्मल यूजर देख रहे हैं वो कैसे समझेंगे कि कब उनको इस पर इनिशिएटिव लेना है? सर एक दो दिन में इसका सोल्यूशन आ जाएगा जी, सोल्यूशन आ जाएगा, इनका वीडियोज भी आ जाएंगे, इनकी एडवाइजरीज भी आ जाएगी। और मतलब जब तक ऑफिशियल एडवाइजरी या तो भारत सरकार जारी ना कर दे, जब तक ऑफिशियल एडवाइजरी भारत सरकार जारी ना कर दे, क्योंकि आज जैसे भारत सरकार का अश्विनी वैष्णव साहब का भी बयान आ गया है कि NIC.in पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो NIC.in या तो विंडोज एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे विंडोज यूज नहीं हो रहा है सर, इसलिए उस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। या हो सकता है विंडोज डिसेबल हो, उनका अपडेट डिसेबल हो, अपडेट डिसेबल हो, इसलिए NIC.in। और ज्यादातर काम जो है वो NIC.in से ही काम होते हैं गवर्नमेंट इंडिया के लिए, तो सबसे प्रीमियर है वो NIC, इंडिया के लिए वो प्रीमियर है NIC का। मनोज सर एक बार फिर आपका रुख करते हैं, रिकवरी मोड में आप बता रहे हैं कि इसकी रिकवरी मोड में एक्चुअली जो लेटेस्ट अभी वर्जन आया है उसमें प्रॉब्लम है, टेक्नीशियंस को आप बुलाकर इसको आप फिर से ठीक कर सकते हैं। भविष्य में इससे बचाव के क्या उपाय निकल कर सामने आ सकते हैं? क्या अपने सिस्टम में किसी भी तरीके का ऑटो अपग्रेडेशन लोगों को बंद रखना चाहिए? किसी भी मतलब भारत में मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑटो अपडेट हमेशा डिसेबल रखें जी।
हमेशा डिसेबल रखना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारा, जैसे ये आज ही की समस्या है, जिन कंप्यूटरों में ऑटो अपडेट डिसेबल था, मतलब ऑफ किया हुआ था जी, वो उस लेटेस्ट पैच को एक्सेप्ट उसका कंप्यूटर नहीं किया जी, और वो कंप्यूटर बच गया जी। तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि कुछ भी अपडेट आ जाए जी, एक तो पढ़ना चाहिए डिटेल्स स्क्रीन में कि किस चीज का अपडेट है। लेकिन सर, अपग्रेडेशन का जो मैसेज आता है बड़ा, वो टेक्निकल मैसेज होता है। हाँ, ये समस्या है, इसको समझ नहीं पाता। ये बिल्कुल समझ, मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा, लेटेस्ट विंडोज में ऑटोमेटिक अपडेट को ऑफ करना भी जी आम आदमी के बस की चीज नहीं है, नहीं है जी। दूसरी चीज है, ऑटोमेटिक अपडेट आप ऑफ भी कर दिए तो विंडोज ने एक फीचर बना दिया है कि ऑटोमेटिक 2 या 3 महीने बाद वो फिर से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो ये सब समस्याएं हैं। कंपनी चाहती है, सॉफ्टवेयर कंपनियां चाहती हैं कि हमारा अपडेट आप रेगुलर करते रहें ताकि आप मेरे लेटेस्ट फीचर्स को जाने। अब उसे डिसेबल भी कर दिए तो आप 2-3 महीने तक सुरक्षित हैं, वापस वो फिर इनेबल हो जाएगा। परमानेंट डिसेबल करना है, जब चाहे तभी वो अपडेट हो, उसके लिए इतनी जटिलताएं हैं कि भारत में बहुत सारे ज्यादातर यूजर्स जो हैं उस गहराई से उसकी जानकारी नहीं रखते हैं। अच्छे यूजर हैं वो, अच्छे यूजर हैं, लेकिन इन सभी चीजों की सुरक्षा की जो चीजें हैं उसको खूब गहराई से तकनीकी चीजों को जाने वो एक्सपर्ट्स जानते हैं, आम यूजर नहीं जानता है। तो बेहतर है कि थोड़ा उसके बारे में लोग अपडेट भी रहें, स्वयं को अपडेट करें, ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ रखें। और एक मेरा अपना फाइंडिंग है, ये बताना चाहूँगा, हमेशा जो ओल्ड, ये एक मतलब अजीब किस्म की एक चीज़ है, हमेशा जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और जो टेस्टेड सॉफ्टवेयर है वो रिलायबली चलता है जी, और जो लेटेस्ट है उनमें फीचर्स तो ज़्यादा रहते हैं जी, लेकिन उनमें क्रैश होने की और बहुत सारी समस्याएं आने की संभावना आशंकाएं जो है बहुत ज्यादा बिल्कुल होती है। और ओल्ड सिस्टम में रिकवरी बहुत तेजी से होती है, ओल्ड जो सिस्टम है उसमें रिकवरी ज्यादा तेजी से होती है, 100% तक हो सकती है आपकी रिकवरी। तो सर, ये इसको, इसकी लॉन्चिंग का जब परमिशन मिलता है इसको, तो क्या उस समय इसको किसी भी स्तर पर जांचा नहीं जाता, क्योंकि ओल्ड सिस्टम आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। जैसा मनोज सर बता रहे थे कि आप माइक्रोसॉफ्ट 7 में चले जाएं, विंडोज 8 में चले जाएं, 7 में चले जाएं, 9 में चले जाएं, तो आपको एक अच्छा बैकअप मिलता है, आप वहां से रिस्टोर कर सकते हैं। अभी आप बता रहे हैं कि ओल्ड सिस्टम से रिकवरी भी बेहतर कर सकते हैं, तो लेटेस्ट सिस्टम का चेकअप ग्राउंड क्या होता है सर? देखिए सर, इसमें फीचर्स बहुत होते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं, यूजफुल भी होते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है। जैसे विंडो 10 में आप देखिएगा, आप इसमें ऐप के थ्रू काम कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर या लैपटॉप के थ्रू ऐप के थ्रू काम सकते हैं। विंडो 7 ऐप आपको सपोर्ट नहीं करेगा। उसी तरह से बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर हैं जो कि लेटेस्ट वर्सन आपको जनरली, और मतलब आज का जो टाइम है, जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि आप ग्राफिक्स का, हम मीडिया वाले ग्राफिक्स का जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए निश्चित तौर पर अपग्रेडेड वर्जन हमको लेना पड़ेगा। और अपग्रेडेड वर्जन के पास प्रॉब्लम यह है कि वो क्रैश कभी भी हो सकता है, उसके पास सेफ्टी फीचर्स उतने मजबूत नहीं। कुल मिलाकर ये मानकर चले सर? नहीं सर, जनरली क्रैश नहीं होगा, हम यहाँ रिकवरी की बात कर रहे हैं। ओके, रिकवरी की बात, रिकवरी की बात कर रहे हैं, क्रैश की बात नहीं कर रहे। क्रैश ये सस्टेनेबल है, ये सस्टेन करेगा। विंडोज 7 जल्दी क्रैश नहीं करता था, ये थोड़ा ज्यादा क्रैश करेगा। मनोज सर इसे एग्री होंगे, ये जल्दी क्रैश करेगा। विंडो 98 और नहीं क्रैश करता था, है ना सर? विंडो 98 क्रैश ही नहीं करता था जी। लेटेस्ट विंडोज की एक समस्या है कि ये क्रैश अगर कर गया जी जी, तो इसकी रिकवरी जो है जी, सो बहुत मुश्किल है। बहुत और भारत जैसे देश में जहां ज्यादातर विंडोज यूजर पायरेटेड का उपयोग कर रहे हैं जी जी, तो वहां क्रैश अगर हो गया जी, तो उसकी रिकवरी और मुश्किल होती है। कोई अच्छा एक्सपर्ट ही रिकवरी करता है, नहीं तो डाटा लॉस्ट हो जाता है। तो अभी तो सर हम उसी हालात से गुजर रहे हैं, क्रैश तो कर चुका है विंडोज। बिल्कुल, और मैंने कहा भी कि वो क्रैश तो ऑनलाइन हुआ है, लेकिन उसकी रिकवरी और रिपेयरिंग ऑफलाइन मोड में कोई एक्सपर्ट ही करेंगे जी, और ऐसा ज्यादातर जगहों पर होगा। इसका एक सोल्यूशन है, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताएं सर। हमारे बहुत सारे डेटा है ना, हम लोग जब जीमेल करते हैं तो गूगल हमको एक देती है, गूगल ड्राइव देती है। बहुत सारे जो जरूरी फाइल है हम वहाँ 15 GB तक फ्री में वहाँ सेव कर सकते हैं। आप 2-3 अगर जीमेल बना लें, वहाँ आप फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, या गूगल ड्राइव को आप इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करके आप डायरेक्ट वहाँ रूट भी कर सकते हैं। और बहुत सारा ऐसे
क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर हैं वहाँ इसके लिए तो ये भी तो सर क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर ही है, क्लाउड नेटवर्क के थ्रू ही काम करता है ये भी जो है क्लाउड स्ट्राइक। जनरली अब सब क्लाउड में चले गए सर, सब क्लाउड में चले गए। तो ये एक बड़ा संदेश है, अभी आपने एक्सपर्ट्स को सुना कि लेटेस्ट जो है उसमें फीचर बहुत है लेटेस्ट विंडोज जो है, लेकिन रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। और इस वक्त हालात ये हैं कि विंडो क्रैश कर चुका है, विंडोज क्रैश कर चुका है, जो लेटेस्ट वर्जन जिनके सिस्टम पर लगा हुआ है, अगर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के आप शिकार हुए हैं हड़बड़ाइएगा मत, थोड़ा एडवाइजरी का इंतजार कीजिएगा। निश्चित तौर पर भारत सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, आपका क्राउड स्ट्राइक गाइडलाइंस जारी करेगी, माइक्रोसॉफ्ट गाइडलाइन जारी करेगी, करेगा सब लोग, लेकिन अगर आप हड़बड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान आपको इसका उठाना पड़ सकता है, जो हमारे एक्सपर्ट का कहना है, जो हमारे एक्सपर्ट का आपसे सुझाव है आपके लिए। बहुत धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट मनोज शर्मा साहब थे। मनोज जी बहुत धन्यवाद आपका, मनोज सर। और हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट चंद्रशेखर पाठक साहब थे। चंद्रशेखर सर बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद। कई बहुमूल्य जानकारियां मिली, स्वेस भी हमसे जुड़े, इस बीच यूएस से अमेरिका के हालातों पर भी हमने चर्चा की। दरअसल ये डिबेट का टॉपिक नहीं था, हमने आज डिस्कशन का टॉपिक रखा था, क्योंकि लगातार हमें फोन आ रहे थे कि क्या अपग्रेडेशन हुआ है, क्या अपडेट हुआ है, और बहुत सारी जानकारियां तुरंत में मिल भी नहीं पाती, जानकारियों के पीछे लगना पड़ता है कि आखिर उसके पीछे फैक्ट क्या है। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज 11 भारत के साथ, रहिए सुरक्षित, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।